तो फाइनली फ्रेंड हम बीसलपुर पहुंच चुके हैं। अब हम कॉलेज से अपना काम निपटा के यहां से निकल चुके हैं। ये भाई मिले हैं विनय प्रताप, वैसे तो इन्होंने भी ले चलते लेकिन अब ये नहीं जा पाएंगे। ओ भाई मैजिक टायर पंचर हो गया यहाँ पे। अब तो फाइनली हम पीलीभीत रेलवे स्टेशन पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे अब अभी हमारे साथ वाले मिलेंगे। हेलो सर, व्हाट डू यू फील? गाली दो एक। कैसा फील कर रहे हैं? गाली दे गाली। रवि भाई वह अलग बैठे, क्या दिक्कत है रवि? हेलो, दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा लगा नहीं लगा? लेट कैसे हो गए? गाली दो गाली। भाई एक्चुअली हुआ क्या, हम लेट हो गए यार। रजत शर्मा जी, रवि शर्मा जी और रोहित मिश्रा जी, आप सभी लोग बरेली रेलवे स्टेशन से खटीमा रेलवे स्टेशन पर जल्द से जल्द आने की कृपा करें। मैं यानी कि अनुभव शर्मा आपका खटीमा रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार कर रहा हूं। यहां पर मैं आप सभी के स्वागत के लिए खड़ा हूं। कृपया जल्द से जल्द आने की कृपा करें, धन्यवाद। आप देख सकते हो भाई अनुभव, ये लेकिन ट्रेन नहीं रुकेगी, ट्रेन नहीं रुकेगी। उतर आगे जाना, उतरना मत, आगे जाओ, वापस देखो। फाइनली अब हम चारों मिल चुके हैं। हेलो, हाउ डू यू फील? हाँ बहुत बढ़िया। तो हम सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं और हमें ये टनकपुर की बस मिल गई है, बस नहीं ट्रेन मिल गई है। तो ये चौड़ा रहे हैं तो चौड़े हो रहे हैं, यहाँ पे इनकी चढ़ाई जब करेंगे तो इनकी जो भी होगी वो देखी जाएगी। एक मिनट को खुजली मच रही है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये सब लोग यात्री लोग बैठे हुए हैं। रवि बच्चा हमारे आए नहीं तो हम रवि बच्चा के साथ आपको ले जा रहे हैं। तो एक मिनट जी सर, बताइए आपको क्या बता है? देखो ये कैसे लड़कियों की तरह ड्रामा कर रहे हैं। तो हाँ जी रमेश जी, आपको कैसा लग रहा है टनकपुर? बहुत अच्छा फील हो रहा है, मास्क हटा दीजिए। मास्क हटा दिया है, माता रानी दुआ है, इतना मजा आ रहा है। सुबह से चले हुए हैं, अभी पीलीभीत पहुंचे हैं। मत अच्छा जी, ठीक है। उधर आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे यहाँ ट्रेन से जाते हुए। अच्छा, तो आप क्या मानेंगे माता रानी से? आपका टीटी ने जब चालान काटा था तो आपको कितने रुपए का चालान काटा था? चालान काटा उसने 350 रुपए का था। 350 रुपए का काटा था। अच्छा, तो आपने कितने रुपए दिए? 200 रुपए दे दिए मैंने उसे। 200 रुपए दे दिए, चलो बहुत दयावान लोग। और माता रानी से आप क्या मांगेंगे? माता रानी मांगूंगा वो मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ। क्या मांगेंगे? अरे कुछ सरप्राइज देती, झूठ बोल दीजिए। अरे नहीं, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारी ये ट्रेन चल रही है और ये ट्रेन ने हॉर्न दे दिया और ये रजत शर्मा जी जो है हमारे ये ट्रेन पर चल दिए हैं। ये हमारे रोहित मिश्रा जी हमारे ट्रेन पर चल दिए हैं और देख रहे हैं जैसे कि यात्री जो सभी लोग हैं ये टनकपुर जाने के लिए बहुत ही बेताब हो रहे हैं। ठीक है, वीडियो हम आपको भेज देंगे। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं हमारे रवि शर्मा जी ये व्हाट्सएप पे स्टेटस ही देख रहे हैं, जबकि सबके स्टेटस देख रहे हैं। अभी तक इनको इतनी वो नहीं है कि ये बाहर आके वीडियो बनवा सके। जोर से बोलो, जय माता दी। अरे बोलो, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। आगे वाले, जय माता दी। पीछे वाले, जय माता दी। जो जय करो वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय करो वीर बजरंगे, हर हर महादेव। गाइस अभी हम खटीमा पहुंचे हैं और अभी पहुंचने में हमें बहुत टाइम लगेगा। हेलो, मैं भी उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं मतलब सभी के चेहरे पर लगभग थोड़ी बहुत उदासी है। नहीं उदासी का है कि बताना चाहिए इस उदासी का कारण? कोई नहीं, कारण क्या है? कुछ नहीं, उदासी नहीं है, बच्चे खाते जाते रोड पे। उदासी कारण वीडियो में आगे बताएंगे, बने रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हम लोग आ चुके हैं टनकपुर और हम लोग यहाँ से जाएंगे पूर्णागिरी के लिए। बोलो जय माता दी टनकपुर, बोलो जय माता दी, जोर से बोलो, सारे बोलो। तो हम लोग टनकपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, आप देख रहे हैं भाई सभी जा रहे हैं। अब ये सब पूर्णागिरी को ही जा रहे हैं, रात में चढ़ाई होगी, बने रहे हैं आप हमारे। जा रहे हैं
अपने टनकपुर से हम जा रहे हैं अपने पूर्णागिरी मंदिर। बोलो जय बालाजी महाराज की, बोलो जय सच्चे दरबार की। ओ रवि आजा भाई कहाँ हो? हाँ ये देखो सब लोग पीछे भी बैठे हैं, सब लोग पीछे भी बैठे हैं। चलो ठीक भैया, हुआ क्या है एक्चुअली, एक रास्ता ऊपर है दिख रही होगी आपको, वो लाइट जल रही है उधर, और एक रास्ता ये है। अब जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं, इस रास्ते पर कोई भी नहीं जा रहा है, तो बहुत कंफ्यूज है। रोहित भाई बता रहे हैं कि फॉलो मी, तो रोहित को फॉलो कर रहे हैं। रोहित भाई हेलो रोहित, ओए रोहित, तो फॉलो मी फॉलो तुम्हें कर रहे हैं, लेकिन जा बताओ जो रोड जात कहाँ है। सीधे जाएगा तुम्हें माता के पास ले जाएगा, ऊपर मंदिर वो दिख रहा है सामने, छोटी दिख रही है, वो दिख रही है, आप सही से देखो ये वो दिख रही है। लेकिन भाई है अभी है कंफ्यूजन में, चार लोग जा रहे हैं सिर्फ माता के दर्शन के लिए, लेकिन एक रोड ऊपर भी तो है वो। हाँ तो बोलो ऊपर से जाते हैं, और जो शेर होते हैं वो रोड से जाते हैं, इनके ज्यादा देर चलो है। हट गए भाई, हम दो भाई केवल चढ़ के आ पाए हैं, लगभग आधे किलोमीटर से ज्यादा चढ़ाई थी, बहुत बुरे फंस गए थे। बाकी हमारे दो भाई अभी आ रहे हैं, आप हमारा चेहरा देख सकते हो। रवि भाई इधर देखो, देखो दोनों आदमी कहते छक गए भाई, चढ़ चढ़ बहुत बुरे फंसे। आप देखो तो जंगल देखो, पहले पीछे दूसरे रोड पर चले गए थे, वो रास्ता गया था नीचे बाहर के लिए। ओहो अब ये पेड़ खड़बड़ा रहे हैं, शायद आ रहे हैं अब ये लोग। हाँ भाई ये दिखा, एक ये दिखा, ये दिखा, हाँ ये दिखा। ये आया भाई, तुम नहीं समझो भाई मेरे में क्यों हंस रहा है इतना। भैया कैसा फील कर रहे हैं? दोनों लोग इधर आ जाए, कौन है कैसा कैसा फील कर रहे हैं? दो बार नीचे गिर गए, रपक गए, रोहित कह रहे हम कर रहे भैया तुम, हम जिस पेड़ पकड़े वो पैर फट जाए हाथ में आ जाए। ओ भाई मजा आएगा फिलहाल, इतो जो ट्विस्ट आएगा कहानी में, ट्विस्ट मार डालो ट्विस्ट में, अब बोतल जाकाओ कि नीचे तो कोई आए ना, कि पुलिस वुलिस आ जाते नीचे, ऊपर आ जाते, अब ऊपर वाले ऊपर करते नीचे वाले बीच में आने वाले भाई अब तो मंदिर जाते कहीं रफकत में पता नहीं कहाँ है क्या। ये देखो खुरापाती कर रहे हैं भाई, देखो जी चल रहे हैं, सब इधर से जा रहे हैं ठीक है, लेकिन ये भाई वहां से जा रहे हैं इधर से, पापा के पास जाएगी ना वीडियो। हाँ ये भी जा रहा भाई, ये हालत है जो ऊपर चढ़ाई है। पापा के पास जाएगी ये, दे दे खुरापाती, हम तो सबसे पहले कूद के आ जाते, बजरंगी है हम। जय माता दी, बोलते रहो मुझे बंद कर रहे हैं। बोलो जय माता दे, बोलो जय माता दे, आगे बोलो जय माता दे, 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 जय माता दे। आप सभी को पता है कि हमने जो है अभी भजन कीर्तन किया, ऐसे ही हम सोचते हैं कि आप सभी लोग भी एक बार पूर्णागिरी धाम जरूर आइए, और यहाँ पे भजन कीर्तन करते हुए जब आप चढ़ाई करेंगे तो आपको वो आनंद जो आएगा वो इस कदर होगा
वो जब इसका जब जो आनंद लेना चाहते हो तो आप पूर्णागिरि के धाम एक बार जरूर आइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे, बने रहिए, इसी तरह बने रहिए आप हमारे लोगों के साथ। तो फाइनली हम लोग जो है अंदर घुस चुके हैं, यहाँ से जो है रुकने का स्थान यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हाँ, अभी देखना, हाथ जोड़ जोड़ देखते हैं, ये रोक हमें सबसे ऊपर रुकना है, जहाँ पे हमें स्नान जो है करना है, वहीं पे हम अपना भोजन खाना पीना खाएंगे। यहाँ पे हमें बिल्कुल नहीं रुकना है, चाहे कितने भी शौचालय बने हो, 10-14 शौचालय बने हैं, लेकिन हमें भाई ये हमारे साथ कॉमेडियन है, ये अपनी कॉमेडी करता रहे, सबसे लास्ट वाले में यहाँ नहीं रुकना है। जाए असल बात है, नहीं माता रानी सजा देंगे तुम्हें, फिर तुम्हें शॉट बोलो सच्चे दरबार की भी देंगे। आगे देखो ये लोग यहाँ पर जो है नहाने के लिए स्नान घर भी देंगे, देखने के लिए टीवी भी देंगे, लेकिन हमें यहाँ रुकना नहीं है, हमें रुकना है सबसे ऊपर, ठीक है? ऐसी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कॉमेडियन हुआ अनुभव सर। रवि इतना मेहनत करना पहुंच पाएंगे यहाँ से हम करना पहुंच पाएंगे जब भी देखिए तो रोहित क्यों नहीं पकड़ा जाता है भाई, पता नहीं इसे ही क्यों पकड़ते हैं लोग, हमेशा पकड़ा जाता है, रोहित शरीफ लगता है इसीलिए रोहित को पकड़ा जाता है बार बार, तो पता हर बार कहीं भी पकड़ा जाए तो रोहित ही पकड़ा जाता है, इसे नहीं पकड़ता कोई क्योंकि शरीर है भाई, देखो इसे चल रहा है भाई। यहाँ पर रोहित जी को पकड़ लिया गया, रोहित को पकड़ लिया है, बाकी तो निकला, रोहित से कहा गया कि आप यहीं पे स्नान करिएगा, और रोहित की बहुत गहरी बातचीत होते हुए, और रोहित जो है देखते हैं आप मानते हैं रोहित या नहीं मानते हैं, रोहित अभी तक बहस चली रही है, और जैसा कि रोहित जीत गए, जय माता दी, जय माता दी, इतना मुंडी तो भाई अभी पीछे भंडारा चल रहा था तो हम लोगों ने भंडारा पाया, अब भंडारा पाके हम लोग निकल चुके हैं, अब हम लोग जो है पैदल चलेंगे, मुंह पहुँच लो पहले मुंह, यहाँ से अब हम लोग पैदल चलेंगे, रोहित भाई भी भंडारा भाई, अभी रवि भाई ने देखी कहीं तहरी भी बन रही है, लेकिन हम लोग अब जो है क्योंकि लगभग 3-4 किलोमीटर हमें पैदल चलना है, तो 3-4 किलोमीटर पैदल चलना है, तो कुछ अभी ज्यादा खाना भी नहीं है, जहाँ रुकेंगे वहीं खाएंगे, बने रहे आप, दिखाते हैं आप माता रानी, आगे वाले जय माता दी, लाइट वाले, लाइट चली गई है अब जी अनुभव भाई हमारा खिचड़ी खा रहा है, देखो भंडारा में लाया है खिचड़ी, और जी देखो खिचड़ी भंडारे में बट रही, तो भंडारे में खिचड़ी लाया, जलवे काट रहे सब, कैसा फील कर रहा है खिचड़ी खा के भाई, अच्छा लग रहा है भैया, थोड़ा हमें भी खिलाएं प्रसाद, ये देखिए आप भी खा के देखिए, अब हम आपको एक बात बताएं, अब हम आपको एक बात बताएं, तुम्हें पता है ट्रेन में ये बहुत जो है हम लोग थोड़ा उदास नर्वस हो गए थे, उसका कारण पता क्या था, कारण बताओ रोहित क्या था कारण, क्योंकि हर जगह औरतें देखने को मिल रही, बात ये नहीं, बात पता क्या थी, कर रही तो ऐसी लड़कियां थी जिनकी भाई मेरे मतलब उनकी शादी नहीं होनी चाहिए थी यार, इतनी कम एज में, मतलब इतनी कम गलत हाथों में चली गई यार, इतनी कम एज में यार शादी हो गई, गलती उसकी भी ना है यार, वो हम लोग देख रही थी यार, हम लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, हमने की ना तुरंत हम लोगों ने डिब्बा चेंज किया और दूसरे वहां पे दूसरे डिब्बे में बैठे, लेकिन फिर यार वही समस्या, दूसरे मिली दूसरी, लेकिन दूसरे में थी, लेकिन फिर हमने डिब्बा चेंज कर दो, हमने कहा ना, फिर हमने ट्रेन ही छोड़ दी टनकपुरा, हमने कहा ना माता रानी के दरबार जा रहे हैं, गलत काम, बिल्कुल नहीं, वहां कह के आए कि इसे अच्छी मिलेगी, माता रानी देगी, ये
कितनी भारी। इसको कहते हैं मूली, इसे कहते हैं कमाल। ये भाई मूली देखो कितनी भारी ये माता बता रहे हैं कि माता रानी का आदित्य चुराया था। ये पहला मंदिर पड़ा है भाई, अभी चल ही रहे हैं। इसे बोलते हैं ज्वाला देवी मंदिर। जय माता रानी। प्रवेश द्वार भैरव बाबा। क्या कह रहा था वो? अरे वो कह रहा था यहीं रुको, यहीं से प्रसाद लो। मैंने उससे कहा मैं नहा के आया हूँ, तो बोला भैया खाली प्रसाद ले लो। बोल रहे भाई यहीं रुको, नहा के फिर जाओ। अब हम घर से नहा के आए तो फिर क्यों नहाए भाई? ये बताओ यार। ओ सच्चे दरबार की। ये मात्र एक ऐसा पूर्णागिरी का घंटा घर है। ये घंटा ऐसा है कि कब्र में फंसे सोए हुए मुर्दों की आवाज जगाने के लिए काफी है। रवि भाई तो नाच चुके हैं भाई, हम भी नाच चुके हैं। जे बचाए हेलो डालो 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 भाई इतना ठंडा पानी है, हम तो बाल्टी डाल दी इसने तो ना लिया एक देखो भैया 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 लौट दो के ऊपर अरे सही सही से नहाले रोए तौलिया दार किजा भैया डाल दियो मग्गा। जय माता दी। तो फाइनली गाइस हम लोग तैयार हो चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं। अभी बज रहे हैं कितने बज रहे हैं? दो। अभी बज रहे हैं दो, ठीक है पूरे दो बजे हो गए हैं। अब हम निकल रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। जय माता दी। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है, फाइनली हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं माता रानी के पास। बोलो और सारे बोलो मिलकर बोलो, आवाज न आई आगे वालो और पीछे वालो, अरे खोखा वालो और मंदिर वालो जोर से बोलो, अरे आगे वालो अरे भैया बोलो बोलो सारे बोलो मिलकर बोलो जोर से बोलो, आगे वालो पीछे वालो आवाज आई सारे बोलो माताए बोलो अरे बहने बोलो अरे भैया बोलो सारे बोलो और मिलकर बोलो जय माता दी। याद करो उस भैया को, याद करो उस भैया को, जय माता दी। जय बालो जय माता।
माता दी, जय माता दी, जय माता दी, आवाज ना आई, आवाज ना आई, जय माता दी। अरे बोलो गाइस, अब पूरी तरह से हम लोग सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थक चुके हैं। क्यों रोहित भाई, क्या कह रहे हो, थके हुए हो? नहीं गाइस, तेल ही थक गए, अभी तो चढ़ना बाकी है। चलो देखते हैं आगे और देखते हैं कितनी सीढ़ियां चढ़नी है। अभी तो बाकी है कुछ जमी सारा। रजत भाई, रजत भाई, रजत भाई, क्या कहोगे अभी कितनी? जय माता दी, जय माता दी। अभी कितनी सीढ़ियां चढ़ने बाकी है? अभी चढ़ना जी जहाँ, अभी सारा जहाँ बाकी है। वाह भाई, वाह वाह, अब जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आवाज ना आई, जय माता दी। जोर ना खा लियो, आप सभी को पता है कि हम लोग पूर्णागिरी आए थे और हम आज पूर्णागिरी के जो है मंदिर के ऊपर पहुंचने ही वाले हैं। अरे भैया, जय माता की, सारे बोलो जय माता की, कर बोलो जय माता की, आगे बढ़ो जय माता की। फाइनली भाई हम इतना ऊपर चढ़ाए हैं। चलो भैया हम चल रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है भाई। तो हम लोग पहुंच चुके हैं भाई, चढ़ाई हो चुकी है और हमारी चढ़ाई जो है लगभग 1 घंटा 50 मिनट में कंप्लीट हो चुकी है। जो 50 हो गया है, बोलो सच्चे दरबार की, पहाड़ों वाली माता की, शेरा वाली मैया की। भाई वीडियो मत बना भाई। ये देखो यहाँ जो है हम अभी माता रानी के मंदिर पे हैं, तो यहाँ से देखो ये रास्ता है भाई। तो भैया हम तो दर्शन कर लिए हैं, लेकिन हुआ ये है, आलम ये है कि इतनी तेज बारिश आई है, पूछो मत। अभी तुम्हें दिखाते हैं बारिश भाई। दिन है कौन सा, रविवार, दिन है मंगलवार, और मजा लीजिएगा बारिश का पूर्णागिरी में। देखो भाई बारिश के जलवे, जिन्होंने तो कर लिया भाई दर्शन उन्होंने कर लिया, जिन्होंने नहीं किया उनकी क्या बेहतरी होगी। बहुत तेज बारिश, हाँ भैया बारिश, ये सब तरपाल टपक रहे आज, ये देखो और मार झमाझम बारिश है। बाकी लोग जिन्होंने कर लिए हैं दर्शन वो तो सही, बाकी बहुत परेशानी होगी, अब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बारिश बहुत तेज आ गई है। देखो मार भाई पानी 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 के, देखो आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, लेकिन अब जो है बिल्कुल भीड़ ना है, आदमी जो है भागता हुआ चला जा रहा है भाई, बहुत तेज बारिश आ गई है। हम तो माता रानी के भाई दर्शन कर लिए हैं। हाउ डू यू फील, कैसा अनुभव कर रहे हैं? I feel so enjoying and different shunum. You know, कऊ कचूड़ा है, पटी परी है, ऐसे समझो।
तो भैया आप देख सकते हैं ये जो लाइन लगी है ये वहाँ से जाके वहाँ पे और इधर से वो वहाँ से घूम के आती है। अब सोच रहे हो कि लाइन का है कि भंडारा नहीं चल रहा भैया? ये लाइन किस लिए लगी है? ये लाइन लगी है कि दूसरा भंडारा चल रहा क्या? नहीं भंडारा चल रहा है, ये जो है पहले खोखा तक जाने के लिए लाइन लगी हुई है। ये जो है पहले खोखा जो जाएंगे उसमें जो सवारी मतलब मैजिक वगैरह उसके लिए लाइन लगी है इतनी लंबी। भाई हेलो ब्रदर, लाइन से सब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो हम पूर्णागिरी माता रानी के दर्शन करके यहाँ से निकल चुके हैं, अब हम यहाँ से नेपाल सिद्ध बाबा जाएंगे दर्शन करने के लिए। अब मुझे तो नेपाल सिद्ध बाबा जाएंगे, बने रहें आप हमारे साथ। मेला बहुत है भाई नीचे। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं पीलीभीत रेलवे स्टेशन पे, यहाँ से सब लोग अपने अपने घर जाएंगे।